Hello everyone. Today we are going to revise again the lesson number 2, that is the sun, moon and the earth, the third part. Okay, yesterday we have discussed about the solar eclipse. Okay, today we are going to discuss about lunar eclipse. Okay, so a lunar eclipse occurs when the moon enters the shadow of the earth. First see the position. Okay, pehle hum lunar eclipse mein सन मून और अर्थ की पोजीशन देख लेते हैं, उसके बाद ये पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. ओके ओके, सो इफ द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून इन केस ऑफ सोलर इक्लिप्स, हु कम्स इन बिटवीन द मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ. इन केस ऑफ लूनर इक्लिप्स द अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड द मून. ओके, so if the earth is between the sun and the moon, the shadow of the earth falls on the moon. फिर क्या होगा कि जो अर्थ की शैडो, देखो सन का जो सनरेज है किसके ऊपर गिर रही है, अर्थ के ऊपर. तो ऑब्वियसली अर्थ की शैडो किसके ऊपर गिरेंगी, मून के ऊपर. ओके, सो द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड एट सच अ टाइम द थ्री सेलेस्टियल बॉडीज आर इन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन. जब ये तीनों एक लाइन में और एक सेम प्लेन में आता है. यस्टरडे ओनली इन द लास्ट लेक्चर ओनली आई हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलर इक्लिप्स. ओके, क्या है कोई भी इक्लिप्स होने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये तीनों सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो चाहे वो लूनर इक्लिप्स हो, ऑल द थ्री सेलेस्टियल बॉडीज दैट इज द सन, द अर्थ एंड मून, दे शुड बी इन वन लाइन एंड इन द सेम प्लेन. Then and then only the eclipses happens. So in case of lunar eclipse, same condition is there. The sun, earth, and moon, they should be in the same line and in the same plane. Get it? So a lunar eclipse occurs when the moon enters the shadow of the earth. ये देख, है ना, अर्थ की शैडो किसके ऊपर गिर रही है, मून के ऊपर गिर रही है. Okay. So this condition, okay, is called as the lunar eclipse. So there are again three types of lunar eclipse, which are there, total, partial, and okay, these are the two types of lunar eclipse, which are total and partial. So there are two types of lunar eclipse. Total and the partial. So there are two types of lunar eclipse, total and partial. Let us discuss what is meant by total lunar eclipse and partial lunar eclipse. So on a full moon day, sometimes the moon is totally hidden within the thick shadow of the earth. So completely छुप जाता है earth के shadow के अंदर, ये जो moon है completely छिप जाता है, इसलिए उसको चंद्र ग्रहण करते हैं, है ना? इसलिए लूनर इक्लिप्स. जो मून है वो छुप जाता है, कंप्लीटली हाइड हो जाता है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज टोटल लूनर इक्लिप्स. जब मून जो है टोटली जो हाइड हो जाता है विद इन द थिक शैडो ऑफ द अर्थ, देन इट इज कॉल्ड एज द टोटल लूनर इक्लिप्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्शियल लूनर इक्लिप्स, सॉरी लूनर इक्लिप्स. On a full moon day, what happens? No, all the total lunar eclipse, whatever it may be, a partial lunar eclipse, all happens on a full moon day because the lunar eclipses happens on only the full moon day. Full moon day, lunar eclipse. New moon day, solar eclipse. You have to learn it. Learn, not learn. You have to keep this thing in your mind. Don't learn it. Keep this thing in your mind. What is meant by lunar eclipse? What is meant by सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स कब होता है? न्यू मंडे. लूनर इक्लिप्स कब होता है? फुल मंडे. ओके, सो ऑन अ फुल मंडे समटाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ मून इज हिडन विद इन द थिक शैडो ऑफ द अर्थ. जब ये चांद अर्थ के शैडो से, यानी पूरा कवर नहीं होता है, सिर्फ कुछ पोर्शन उसका कवर होता है, ढक जाता है, हाइड हो जाता है. ओके, देन दिस कंडीशन इज नोन एज पार्शियल lunar eclipse. Get it?
जब वो कंप्लीटली छुप जाता है तो इट इज अ टोटल लूनर इक्लिप्स, जब वो पार्शियली छुप जाता है कौन मून किसके अंडर, अंडर द शैडो ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल लूनर इक्लिप्स. ओके नाउ यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर इक्लिप्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लूनर इक्लिप्स. द कंडीशंस आर सेम, ओनली द ड्यूरेशन आर डिफरेंट एंड पोजिशंस आर डिफरेंट, अदरवाइज कंडीशंस आर सेम. What is the conditions? That solar eclipse occur on every new moon day. Occur on new moon day, and lunar eclipse occur on full moon day. That is the difference. Okay, so lunar eclipse occur on the full moon day, but not on every full moon day. लेकिन हर full moon day पे नहीं होता है eclipse. In the last lecture we have discussed only. क्योंकि इक्लिप्स होने की कंडीशन यही है, दे शुड ऑल द थ्री सेलेस्टियल बॉडीज द सन अर्थ एंड द मून दे शुड बी इन अ सेम लाइन एंड सेम प्लेन. और हर न्यू मून डे हो चाहे हर फुल मून डे हो, सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, एक सेम प्लेन में नहीं आते हर इसमें, चाहे वो फुल मून डे हो चाहे वो न्यू मून डे हो, कंडीशन वही है, दे शुड बी कम इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सेम प्लेन. सो द फुल मून डे occur that but the lunar eclipses occur on a full moon day but not on every full moon day. Get it? Now second characteristic, occur if and only if, samajh mein aaya na, ye tabhi hi jo hai ye occur honga when the earth and the moon are in the sun, earth and the moon are in the same plane and fall in one line. 10 बार आपके ऊपर जोर दे रही है उसके ऊपर. एंड अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटल लूनर इक्लिप्स इज 107 मिनट्स, यानी 120 मिनट्स का 60 मिनट्स का क्या होता है 1 आवर, ठीक है, तो 2 आवर्स से कम होता है, ठीक है. और ये जो है सोलर इक्लिप्स जो होता है वो 7 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स के लिए होता है, यानी लूनर इक्लिप्स का टाइमिंग ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोलर इक्लिप्स. ओके नाउ वी विल डिस्कस द इक्लिप्स एज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. ओके सो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, आपको पता है देर इज नथिंग ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस अबाउट दिस इवेंट. अब देखो कहीं सारी सुपरस्टिशंस जो है वो इक्लिप्स से लेकर बहुत सारे लोगों में सुपरस्टिशंस होती है. हाँ ये बात बराबर है कि जो भी इक्लिप्स हो, सोलर इक्लिप्स अगर होता है तो उसको आपको नेकेड आए यानी खुली आंखों से नहीं देखना है, यू शुड वियर अ स्पेशल ग्लासेस फॉर दैट, एंड इवन देन ओनली यू कैन सी द सोलर इक्लिप्स. एक्चुअली इट इज वेरी डेंजरस टू योर आईज टू सी विद द नेकेड आई, सो दैट्स केयर शुड बी टेकन. बाकी सुपरस्टिशन बहुत होती है कि अगर सूर्य ग्रहण होगा तो ये होगा वो होगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी रीजन कुछ नहीं, बहुत सारी सुपरस्टिशन है लोगों को. फिर नहाना चाहिए सोलर इसमें, सोलर इक्लिप्स खत्म होने के बाद नहाना चाहिए, जो भी खाना है वो सारा फेंक देना चाहिए. ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है. बहुत सारे लोग जो है इसको सुपरस्टिशियस वे से लेते हैं, बट इट इज अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, उसमें ऑस्पिशियस एंड नॉन ऑस्पिशियस थिंग कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट ओनली अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. ओके इक्लिप्स आर जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सन द अर्थ एंड मून बीइंग अ स्पेसिफिक पोजीशंस. ये जो है अर्थ जो है या मून जो है ये अपने जो है अपने एक्सिस के और अगेंस्ट एंड अलोंग सॉरी अलोंग एंड सन के अलोंग ये मूव होते ही रहते हैं. और जब वो एक लाइन में आते हैं, एक सेम प्लेन में आते हैं, आपको पता है मून का ऑर्बिट अलग है और अर्थ का ऑर्बिट अलग है, तो जब एक सेम प्लेन में आते हैं, सेम ऑर्बिटल प्लेन में आते हैं, तब जाके क्या होता है, इक्लिप्स होता है. तो उसमें ऑस्पिशियस और नॉन ऑस्पिशियस ये चीज है ही नहीं, इट इज जस्ट सिंपली अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. ओके एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट द इक्लिप्सेस बिकॉज एन इक्लिप्स इज नॉट अ रेगुलर अकरेंस. अब देखो वो चीज जो हम रोज देखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे चीजें जैसे कमेट देखा 76 ईयर के बाद दिखाई जाता है, तो वी आर जस्ट ईगरस टू सी दैट, क्योंकि 76 ईयर से डिफरेंस बहुत होता है.
इक्लिप्सिस और लूनर इक्लिप्स पे हमको कम देखने के लिए मिलते हैं, तो जब ये होते हैं तो वी गेट जस्ट लिटिल बिट ईगर टू सी दैट वन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुले आंखों से जो है वो सोलार इक्लिप्स देखे, ठीक है, या कोई भी इक्लिप्स देखे, यू शुड वियर स्पेशल ग्लासेस फॉर दैट टू सी दैट वन। ओके, तो इतनी केयर आपको लेनी है, ठीक है। नाउ इक्लिप्स एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडी। देखो इक्लिप्सिस होती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो जो है वो साइंटिस्ट लोगों के लिए है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। व्हाई इट इज हेल्पफुल टू देम, बिकॉज इक्लिप्सिस एंड पर्टिकुलरली टोटल और एनुलर सोलर इक्लिप्सिस प्रेजेंट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडी फॉर साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। कभी आपने गैलीलियो की स्टोरी अगर सुनी होंगी ना, तो सही में सुनिए कि अगर इंसान में चाह है तो उसको राहत जो है वो डेफिनेटली मिल ही जाती है। उन्होंने पहला टेलीस्कोप बनाया था, पता है आपको, गैलीलियो गैलीली ने, कितने एफर्ट करके, इतना जब फॉरेन कंट्री में वो डेवलप हुआ तो इतना एडवांस नहीं था, जो उन्होंने इतना एडवांस बनाया, और देखो उनका इस एफर्ट्स के वजह से हमको सेलेस्टियल बॉडीज की इंफॉर्मेशन मिली, उनका ग्रेट जो है एक कंट्रीब्यूशन है, ओके, एस्ट्रोनॉमी में। तो वैसे ही हमारे जो साइंटिस्ट है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। दे वांटेड टू नो लर्न समथिंग न्यू, दे वांटेड टू नो एवरी टाइम समथिंग न्यू, सो दे जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ इक्लिप्सेस, पर्टिकुलरली द टोटल एंड एनुलर सोलर इक्लिप्सेस, बिकॉज दे हैव द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ओके, to study that one and to get the more knowledge about these stars or other celestial bodies, okay? So scientists from all over the world make it a point to visit the locations where such events are going to occur and they carry out elaborate studies of the eclipse condition. और उसके हिसाब से वो फिर जो है notes बनाते हैं या फिर कोई theories बनाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, after the study, क्योंकि study से ही theories बनेंगे, ठीक है। पहले ऐसे नहीं कोई भी साइंटिस्ट अपनी थेरीज रख देता है फिर उसको प्रूव करने में लग जाता है, पहले वो रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, वो पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनको राइट अगर रिजल्ट मिलते हैं तब जाके वो थेरी पुट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑफ इक्लिप्स ऑन द बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी बर्ड्स के ऊपर इक्लिप्स का जो इम्पैक्ट क्या होता है that we are going to discuss, okay? So during the period of solar eclipse, a large number of birds and animals get confused due to the untimely darkness that's set in. आपको पता है जब जो ये होता है ना solar eclipse होता है तो दिन में ही अंधेरा हो जाता है। अब मुझे बताओ ये जो birds होते हैं वो उनकी direction जो है ना वो sunlight के according वो अपना direction जो है वो देखते हैं। यानी morning अगर हो गई, सवेरा हो गया, तो वो समझ जाते हैं कि वो दिन के उजाले में अपना डायरेक्शन ढूंढ लेती है। लेकिन अगर दिन के उजाले में वो निकले हैं और अचानक से अगर क्या होगी रात हो गई तो अपना वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, समझ में आया। तो बर्ड्स के लिए ये थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग वाला जो है एक मैटर है, ठीक है, कि वो अपना डायरेक्शन के लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभी तो दिन निकला था अभी रात हो गई, है ना, दे गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। And the response to this event are unusual. Okay. Now some precautions should be taken while watching the solar eclipse that I have already discussed with you, that the intense light of sun can be harmful to the naked eye. It can damage your eyes. Okay. So it is necessary to view the solar eclipses through dark glasses or special goggles made for the purpose to see the सोलार इक्लिप्सेस। ये हर बार आपको जो है ये केयर जो है लेनी है कि आप कब जब भी सोलार इक्लिप्स देखते हो तो यू शुड हैव टू वियर द स्पेशल ग्लासेस। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेसन नंबर 2, द सन, द मून एंड द अर्थ। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेसन। Till then, goodbye and have a nice day, you all.